हाय गाइस, मैं हूँ रूपाली परांठेकर सतेज इन्फोटेक से। आज मैं आपको बताऊंगी कि फेसबुक टैग्स आप कैसे क्रिएट कर सकते हैं एक थर्ड पार्टी ऐप यूज करके। नाउ व्हाट आर रियली फेसबुक टैग्स? ये मेरा फेसबुक का एक पेज है। इसमें जो आप पोस्ट, बिकम आ पार्टनर, रिव्यूज, ये सब जो देख रहे हैं, दीज आर कॉल्ड फेसबुक टैग्स। फेसबुक के कुछ डिफॉल्ट टैग्स होते हैं जो आपको सेटिंग्स में से मिल सकते हैं। एडिट पेज अगर आपने किया, ये है उनके कुछ स्टैंडर्ड टैग्स। जो ये बिकम अ पार्टनर जो टैग है, ये मैंने थर्ड पार्टी ऐप लेके बनाया है, बाकी सब उसके डिफॉल्ट टैग्स है। सो लेट्स सी हाउ यू कैन नाउ ऐड अ टैग। इसके लिए मैं यूज करती हूँ woobox.com। ये एक बहुत ही यूजर फ्रेंडली वेबसाइट है और इसमें आप फेसबुक का लॉगिन यूज करके इसमें अपना एक अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नाउ व्हेन यू गो देयर, इसमें आपको क्रिएट और टैब में क्लिक करना है और बहुत सारे ऑप्शंस हैं आपके पास में। अभी मैं HTML फैन गेट टैब करूंगी जो फेसबुक के लिए है स्पेशली। ओके, ये मैंने क्लिक किया। अभी इधर पे आपको कुछ टैब के ऑप्शंस मिलेंगे। आप उसमें कुछ URL डाल सकते हैं आपकी वेबसाइट का या वो पेज का जहां पर मैं आपको यूजर्स को लेके जाना है, उनको रीडायरेक्ट कर सकते हैं या इमेज डाल सकते हैं या HTML कोड डाल सकते हैं। इस टाइम मैं उनको रीडायरेक्ट करूंगी अपनी वेबसाइट पे। मुझे अपने प्रोडक्ट्स यूजर्स को दिखाने हैं मेरे फेसबुक पेज से। तो ये मेरा पेज है जिसमें मैं उनको रीडायरेक्ट करूंगी। तो ये मैंने सिंपली कॉपी कर लिया URL और इधर मैं उसको पेस्ट कर दूंगी। इसमें मैं अब जाके इसको सेटिंग सेव करती हूँ। राइट, अभी सेटिंग सेव हो गई है। टैब सेटिंग्स में लेफ्ट में मैं जाके टैब सेटिंग्स क्लिक करती हूँ। इसमें चाहिए तो आप खुद का भी एक इमेज डाल सकते हैं और इसका टैब का जो नाम है, मुझे देना है प्रोडक्ट्स, ऐड न्यू प्रोडक्ट्स। इसको मैं सेव करूंगी। ये हो गए हैं आपसे, तो मैं जाऊंगी वापस मेरे फेसबुक पेज पे। आई विल चेक कि ये आया है कि नहीं यहाँ पर। मैं इफ आई क्लिक ऑन सी मोर टैब्स, इसमें ये लास्ट में दिखना चाहिए, एड व्यू प्रोडक्ट्स। इसको मैंने क्लिक किया। अभी क्योंकि मैंने ये रीडायरेक्ट किया था तो इसलिए फेसबुक पूछ रहा है, डू यू वॉन्ट टू बी रीडायरेक्टेड? आई विल से ओके। मेरे प्रोडक्ट्स पेज पे आ गया है यूजर और इधर से वो मुझे इंक्वायरी भेज सकते हैं। नाउ इसमें ऑब्वियसली आपने फेसबुक पे नोटिस किया होगा कि ये टैब एकदम एंड में जाके ऐड हो गया है। ओके, इधर पे एकदम एंड में जाके ये ऐड हुआ है। मुझे इसको एंड में नहीं रखना है, मैंने टॉप थ्री में इसको डालना है। सो मैं क्या करूंगी, सेटिंग्स में जाऊंगी। एडिट पेज पे जाऊंगी। राइट, नीचे में है, इसको सिलेक्ट करके सिर्फ इसको जो पोजीशन में आपको चाहिए है ये, वो पोजीशन में मैं इसको डाल दूंगी। मैंने इसको सेकंड पोजीशन पे डाल दिया है। अगर मैं पेज पे अभी चेक करूँ तो यू विल सी कि वो मैंने सेकंड पोजीशन पे देख यहाँ पर मैं आ गया है, बाकी सारे टाइम्स उसके नीचे। So this is how you use a third party app to create tabs on Facebook. Okay, thank you for watching my video. If you have any questions, you can ask me or email me at admin@satejinfotech.in. Thank you for listening. Bye bye.